और गढ़वा में पंचायत चुनाव से पहले ही बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 1676 प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। आय व्यय का ब्यौरा जमा नहीं करने की वजह से उनको 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। इस फैसले से पंचायत प्रतिनिधियों में आक्रोश है। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू। गढ़वा में चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई। 1676 प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक। झारखंड में कोरोना संक्रमण काल और राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव भी समय से नहीं हो पाए थे, लेकिन अब नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी देखने को मिल रही है। राज्य में इसी साल पंचायत चुनाव होने हैं और उससे पहले गढ़वा में 1676 प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। आय व्यय का ब्यौरा जमा नहीं करने के कारण इन प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक चुनाव के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा जमा करना अनिवार्य है। साल 2015 का चुनाव लड़ने और जीतने वाले प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 2676 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा नहीं किया था। सभी को नियमानुसार 3 नोटिस भेजा गया था। अंतिम नोटिस प्राप्त होने के बाद करीब 1000 प्रत्याशियों ने आय व्यय का ब्यौरा जमा कर दिया, जबकि बचे हुए 1676 प्रत्याशियों ने ब्यौरा जमा नहीं किया था, जिसके बाद इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। प्रत्याशियों को निर्वाचन संपन्न होने के बाद अपना व्यय लेखा देना पड़ता है। ये व्यय लेखा देने में असफल रहे। जिला प्रशासन ने 3 नोटिस किया, इसके बावजूद भी लोग अपना व्यय लेखा नहीं समर्पित कर पाए, इस कारण इन्हें असफल निर्धारित किया गया है। वहीं इस कार्रवाई से पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी है। पंचायत प्रतिनिधियों के मुताबिक आय व्यय से जुड़ा नियम सिर्फ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रतिनिधियों पर ही नहीं बल्कि विधायकों और सांसदों पर भी लागू होना चाहिए। लोकसभा हो, विधानसभा हो, उसमें बड़े बड़े चाहे जितने बड़ी माफिया हो, हमको लगता है कि उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दिया जाता है कि जितने बड़े माफिया हो उतना ही आसानी से चुनाव लड़ा जा सकता है। जितने बड़े मैंने लुटेरा हो, जितनी क्राइम किए हुए हो, वैसे लोगों को वहाँ पर हमको लगता है कि फर्स्ट प्राथमिकता मिलती है कि आप चुनाव लड़ सकते। विधायक सांसद पर भी यह नियम लागू हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारतीय संविधान में अगर प्रावधान है तो ये सभी जनप्रतिनिधि लागू हो। वो अपना डाटा समर्पित नहीं कर सके, सरकार को चाहिए कि एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। बता दें कि गढ़वा जिले में साल 2015 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत के 25, मुखिया के 189, वार्ड पार्षद के 2448 और पंचायत समिति सदस्य के 245 पदों के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव में करीब 10,000 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा।